नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज दीपोत्सव में 24 लाख दीपक एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए रामनगरी अयोध्या पूरी तरह तैयार है। आज अयोध्या 24 लाख दीयों के साथ जगमगा उठेगा। इसके अलावा अयोध्या के 84 कोसी मंदिरों में लगभग 7 लाख दिए जलाए जाएंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ 52 देशों के राजदूत इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। भगवान श्री राम पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पधारेंगे। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ घनश्याम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, तो घनश्याम का रुख कर लेते हैं। घनश्याम, अयोध्या में किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? चूंकि शाम 7 बजे यहां पर दीप उत्सव होना है, पानी गिर रहा था, क्या कुछ स्थिति वहां की? धीरे साफ हो गया है प्रियंका जी, और यहाँ पे जो वॉलंटियर्स है, जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, जो यहाँ पे राम जी भक्त है, वो धीरे 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 अपनी बारी का देखे इंतजार कर रहे हैं। और फोर्सेज पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है, और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज इसलिए बढ़ा दी गई है कि जो जिन लोगों के पास बात है वही उनकी एंट्री होगी, क्योंकि वो लोग दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। और दीपोत्सव में वहां पे चूंकि दीपक जलाने का उनको काम है, तो ऐसे में वो लोग वही लोग अंदर जा पाएंगे जिनके पासेस बने हुए हैं। जो दर्शक दीर्घा है, इसके बाद दर्शक दीर्घा भी खोल दी जाएगी। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे तरीके से ये लता मंगेशकर चौक है, और ये लता मंगेशकर चौक पे पूरी तरीके से तैयारियों की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे बैरिकेडिंग करके जो दर्शक दीर्घा भी बनाया गया है। यहाँ पे कुछ ही वक्त के बाद सवेरे 10 बजे से जो साकेत महाविद्यालय से जो झांकी निकली थी, कुछ ही देर बाद यहाँ पे झांकी आएगी, और झांकी के लिए पूरे रास्ते को साफ कर दिया गया है और पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो वॉलंटियर्स है, जो आज जो विश्व रिकॉर्ड बनेगा, जो वॉलंटियर्स हैं, उस वॉलंटियर्स के अलावा भी जो तमाम दर्शक है, जो रामनगरी में जो लोग आकर के जो इस भावभिंगन का जो है जो साक्षी बनना चाहते हैं, जो इस भव्यता को देखना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और आज सवेरे से मौसम खराब हुआ, बरसात हुई, मौसम खराब हुआ, और उसके बाद इस बूंदाबांदी और बिजली कड़कने के बावजूद जो यहाँ के राम भक्त हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, जो अयोध्या के संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अब तक लगभग देखा जाए तो लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पे अयोध्या में पहुंच चुकी है। और जो जिन जिन चबूतरे पे जैसे सवेरे से हम लोग दिखा रहे हैं, राम की पैड़ी बना हुआ है, जो घाट है, सरयू घाट है, तमाम जो घाटों पे दीपक लगाए गए हैं उनपे उनके जिम्मेदारियां है कि उसमें पहले दीपक सजाए गए हैं। अब दीपक सजाने के बाद उसमें तेल डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तेल और बाती जो है डालने की प्रक्रिया इस समय शुरू हो गई है। शाम के 5 बजे के पहले पूरी तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और एक ही साथ सरयू घाट पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जो सरयू घाट पे आरती के बाद, भव्य आरती के बाद, वो सीधे इस घाट पे पहुंचेंगे जहां पे दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। और दीपोत्सव के बाद लेजर लाइट शो होगा, जिसमें भगवान राम के जीवनी पे, उनके बलिदान पे, उनके नाम पे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम चूंकि कहे जाते थे भगवान राम, तो ऐसे में उनके जीवन को लेजर लाइट शो के जरिए दीवारों पे उकेरा जाएगा। उस लेजर लाइट शो को 52 देशों के राजनयिक मौजूद रहेंगे और उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। और वहां से देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो रूबरू होंगे, वो लोग उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। और पूरे अगर कार्यक्रम की बात करें तो लगातार पिछले 3 दिन से जो तैयारियां चल रही थी प्रियंका, अब पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और अब जो है यहाँ पे लोग जो भीड़ है, क्योंकि कल दिवाली है, दिवाली के एक दिन पहले यहाँ पे जो दीपोत्सव होता है, या भीड़ अपना ही विश्व रिकॉर्ड लगातार तोड़ते हुए जा रहा है। 1.25 लाख दीपक से यहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज 21 लाख दीपक एक साथ जला करके विश्व रिकॉर्ड बनेगा। किसी तरीके की कोई कोताही ना हो, और विश्व रिकॉर्ड में कहीं आंकड़ों का उलटफेर ना हो। 3,60,000 एक्स्ट्रा दीपक इसलिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा जो 84 कोसे में जो परिक्रमा होता है, उस वहां पे 40 जो मठ मंदिर है वहां पर भी 7 लाख, यानी अयोध्या की पूरी नगरी आज जो है दीपक जला करके पूरी तरीके से जगमगा उठेगा। वहां पे 7 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। पूरे ये आंकड़े इस बात को तस्दीक करते हैं कि राम
कि नगरी अयोध्या पूरी तरीके से सज करके तैयार हो गई है इस भव्यता को देखने के लिए। तमाम प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जो है लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, तमाम जगहों पे आरती की जाएगी, तमाम जगहों पे यहाँ पे यहाँ के जो भव्यता को लाइव प्रसारण करके दिखाया जाएगा। और जो राम भक्त जो यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं वो ऑनलाइन जो है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए यहाँ पे दर्शन पूजन कर पाएंगे। इसके अलावा इस बार यहाँ का प्रशासन ने और यहाँ के जो आयोजक मंडल ने एक और बहुत महती काम किया है कि जिन लोगों को अपने नाम से दीपक जलाने हैं उसको होली अयोध्या के नाम से एक एप्लीकेशन साइट को तैयार किया गया है, उस साइट पे जाकर के आप अपने नाम की दीपक यहाँ पे जलवा सकते हैं। महज 51 रुपए, 101 रुपए और 251 रुपए उसका दर प्राइस रखा गया है। ऑनलाइन आप भुगतान करेंगे तो आपके नाम के दीपक यहाँ पे जो घाट पे राम की पैड़ी पे आपकी जला दी जाएगी। एक बड़ा जो है तैयारियां की गई है, पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गया है प्रशासनिक तौर पे भी। प्रियंका और यहाँ के जो है जो सेवक है जो यहाँ पे आ रहे हैं जिनको जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तमाम कॉलेजों के लोग हैं, तमाम जो सेवी लोग हैं जो आकर के यहाँ पे अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बारिश हो रहा था उस समय भीगते हुए भी उन्होंने वो डटे रहे, वहां पे डिगे रहे, वहां से हटे नहीं। उनको पता था कि अभी मौसम का जो मौसम साफ होगा, काले बादल छटेंगे और उनका जो भगवान राम के प्रति आस्था है वो आस्था भी प्रगढ़ होगी और मौसम साफ होगा और वो एक विश्व रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना करके विश्व पटल पे अयोध्या का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। जी प्रियंका, बिल्कुल घनश्याम, जिस तरीके से दीप उत्सव में विश्व रिकॉर्ड यहां पर अयोध्या बनाने जा रही है और प्रशासन के सामने भी कड़ी चुनौती यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और देखा जाए तो जो भक्त हैं कहीं ना कहीं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अयोध्या पूरी तरह से भगवान राम की अगवानी करने को तैयार है, उल्लास में घर घर दिए जलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उल्लास और भव्य बनाने के लिए 24 लाख दिए जलवा रही है जो एक विश्व कीर्तिमान बनेगा। साथ ही 51 देशों के राजदूत इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे। इस पूरे कार्यक्रम पर अयोध्या के राम की पैड़ी से जाय चलिया हमारे संवाददाता, हमारे जो यूपी संपादक है राघवेंद्र त्रिपाठी जी ने देखे। आज अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है। मौका है दीपोत्सव का, जिसे योगी आदित्यनाथ ने 2018 में शुरू किया था। तब 2.5 लाख दीपों से यह शुरुआत हुई थी, आज यह संख्या 24 लाख से ऊपर पहुंच गई है। हालात दीपोत्सव शाम को होगा, आप देख सकते हैं दिए सजा दिए गए हैं, जो हजारों 25,000 वॉलंटियर हैं वो लगा दिए गए हैं। थोड़ा बारिश का अलर्ट है, इस नाते प्रशासन भी चिंतित है कहीं बारिश ना हो जाए। सुबह बूंदाबांदी हुई है लेकिन उसके बाद भी प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है कि दीपक अपने समय से जलाए जाएंगे, वॉलंटियर अपने काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज अयोध्या में उल्लास का अवसर इसलिए है क्योंकि अयोध्या जब भी जानी जाती थी एक स्वप्न की तरह थी, जिसमें 1991 में मुलायम सिंह यादव ने जब चलवाई थी कारशोके पर गोली के सरजू का पानी लाल हुआ था। उसके बाद 1992 में हिंदू संगठनों ने जिस तरह से कार सेवा किया, उसके बाद से पूरे देश का माहौल तनावग्रस्त हो गया था। जब भी 6 दिसंबर आता था तो लोग तनाव में आ जाते थे, लेकिन वक्त बदला और समीकरण भी बदले और संस्कृति भी बदल रही है। अब वही अयोध्या है, आप देख सकते हैं सभी भवनों को एक रंग में सजाया गया है ताकि शाम को इन भवनों के ऊपर ही लेजर शो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लेजर शो के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक बार फिर भगवान राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद रात में ही लौट जाएंगे। का कार्यक्रम है 10, 11, 12 नवंबर को लखनऊ अयोध्या में किया जा रहा है। सरयू लगातार बह रही है, उल्लसित दिख रही है। अवसर है राम के आगमन पर अयोध्या में दीपोत्सव का। दीपोत्सव की परंपरा तब पड़ी जब भगवान श्री राम श्रीलंका से लौट कर आए माँ जानकी के साथ, उसके बाद अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, अयोध्या नेपथ्य में चला गया, अयोध्या के नाम पे सियासत होने लगी। लेकिन एक वक्त अब फिर आया है कि अयोध्या में उस सनातन परंपरा को एक बार फिर अयोध्या वासी दोहराने जा रहे हैं और गवाह बन रही है पूरी दुनिया। शाम को जब दीपक जलेंगे उस समय इनकी गिनती की जाएगी और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ राघवन त्रिपाठी, अयोध्या।